अस्सलाम वालेकुम। सफ़ेद मोतिया जिस वक्त आपकी आँख में डायग्नोज होता है तो उस वक्त सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमने कौन सा लेंस आपकी आँख में डालना है, और एक आम इंसान के लिए ये सिलेक्शन करना कि मैं अपनी आँख में कौन सा लेंस डलवाऊँ या अपने वालदैन की आँख में कौन सा लेंस डलवाऊँ, ये एक आसान मरहला नहीं होता, क्योंकि इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि डॉक्टर्स को आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, और वहाँ पर डिसाइड होता है कि जी आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस किस्म के टाइप के लेंसेज यूज़ करते हैं, उनकी प्राइस क्या हो सकती है, और हम क्या चीज़ देख के डिसाइड करते हैं कि आपकी आँख के लिए कौन सा लेंस सूटेबल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं हूँ एक आई स्पेशलिस्ट। ये जो वीडियो के अंदर हमारा पहला सेगमेंट है वो ये है कि कौन कौन से टाइप के लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। जब हमने आपकी आँख में से एक सफ़ेद मोतिया निकाल लेना होता है तो उसकी जगह पे हमें एक लेंस इम्प्लांट करना पड़ता है जो कि आपकी आँख के अंदर लाइट को मुनक्कस करके आपके रेटना के ऊपर डाले और आपको नज़र क्लियर आए। बहुत सारे टाइप के लेंसेज इस वक्त मौजूद हैं जिसके अंदर हम मोनोफोकल कहते हैं, बाईफोकल या ट्राईफोकल, मल्टीफोकल भी कहा जाता है, या ईड ऑफ लेंसेज हैं या टॉरिक लेंसेज हैं। मोनोफोकल जो लेंस होता है वो बेसिकली आपको एक जगह के लिए दिखाता है, वो चाहे दूर के लिए दिखाए या नज़दीक के लिए दिखाए, लेकिन उसने एक जगह के लिए फोकस करना है। बाईफोकल दो जगह के लिए, ट्राईफोकल या मल्टीफोकल तीन जगह के लिए। तो जो ट्राईफोकल होते हैं वो दूर भी दिखाते हैं, नज़दीक भी दिखाते हैं, और इंटरमीडिएट लेवल पर भी दिखाते हैं। इंटरमीडिएट लेवल का मतलब है कि आपका लैपटॉप या आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो आपका इंटरमीडिएट लेवल होता है। और ईड ऑफ एक्सटेंडेड ऑफ द फोकस ये है कि आपके बेसिकली वो दूर भी दिखाता है, वो नज़दीक भी दिखाता है, लेकिन बहुत पास का ही रीडिंग डिस्टेंस के अंदर वो बहुत आउट क्लास नहीं होता। अगर आपको बहुत बारीक काम करने की ज़रूरत पड़े तो फिर शायद उसमें आपको ग्लासेस लगें। जब भी हमने लेंस की सिलेक्शन करनी होती है तो 95% चांस ऐसा होता है, 95% कॉन्फिडेंस के साथ हम लेंस की पावर को कैलकुलेट करते हैं, 5% चांसेस होता है कि आपका थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे 0.5 तक का निकल आए। अगर आपकी आँख में नंबर एस्टिगमेटिज्म या सिलेंड्रिकल नंबर है तो हमें टॉरिक लेंस भी यूज़ करना पड़ सकता है। ये सारे के सारे लेंसेज जो हैं वो डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट प्राइसेस के अंदर आते हैं। आपकी आँख में जाने वाले लेंस की, सिर्फ लेंस की प्राइस 2 लाख तक भी हो सकती है, और अगर ये सस्ते से सस्ता इस्तेमाल करें तो ये 3-4 हज़ार तक का भी हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन में एल्कॉन है, होया है, रेनर है, इसके अलावा स्विस आईवल्स हैं, फिर बहुत सारी और कंपनीज़ हैं जैसे जर्मन ज़ाइस है, फिर आप जो है ये बहुत सारे, इन सारे ब्रांड्स के आगे मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं कि वो आपकी आँख के लिए, आपकी आँख की साख्त के लिए वो कौन सा बेहतर हो। किसी ज़माने में हम जब ऑपरेशन करते थे तो 6 से 10 मिलीमीटर का कट लगाते थे, लेकिन अभी ये सारे के सारे लेंसेज जो हैं वो मैक्सिमम फोल्डेबल हैं, यानी ये 2 मिलीमीटर या उससे भी कम के जो चीरा होता है उसके अंदर से गुजर जाते हैं, फोल्ड होकर इंजेक्टर के थ्रू जाते हैं और अंदर जाके खुल के अपनी जगह के ऊपर बैठ जाते हैं। जब भी लेंसेज के बारे में सिलेक्शन की जाती है, चाहे वो मोनोफोकल है चाहे वो मल्टीफोकल है, डॉक्टर आपकी आँख को चेक करेगा, आपकी आँख के जो सामने वाला पर्दा है उसको देखेगा, आपकी आँख के बैक साइड के पर्दे को देखेगा, और फिर डिसाइड करेगा कि आपके लिए क्या चीज़ सूटेबल हो सकती है। इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर ईजीली नहीं बताया जा सकता कि आपके लिए क्या सूटेबल है। हाँ, कुछ लोगों के लिए मल्टीफोकल या प्रीमियम लेंसेज सूटेबल नहीं भी होते। ये बेसिकली आपने अपने डॉक्टर के साथ डिस्कशन करनी है, और आपने ये देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ मुनासिब है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में पूछें, हमारी कोशिश होगी कि आपके सवालात का हम जवाब दिया जाए। जज़ाकअल्लाह।